अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स 250 यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से बेस्ट लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट ये हमसे पूछी गई। इसके जवाब में एक शॉर्ट सा वीडियो क्लिप हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें बहरिया टाउन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के लिए 250 यार्ड्स में तीन लोकेशंस को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, जिसमें प्रिसिंक 30 है, प्रिसिंक 34 है और प्रिसिंक 16 है। इन तीनों लोकेशंस पे प्राइस रीज़नेबल यानी कम, और लोकेशन के अतबार से अभी भी ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन के साथ, कब्जे के साथ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप फॉरेन कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दें और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक मतलब इनकी डायनामिक्स या इसकी जो क्वालिटीज़ हैं अपनी अपनी जगह काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रिसिंक्ट 16 से शुरू कर लेते हैं। प्रिसिंक्ट 16 मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है, मेन गेट से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का फासला है। मेन जिना एवेन्यू से दो साइड से इसकी अप्रोच बनती है। इसके एक तरफ ग्रैंड मस्जिद है और दूसरी तरफ बहरिया पैराडाइज का मेन गेट बनता है, तो लिहाजा इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। इसमें लैंडस्केप का वेरिएशन बहुत ज़्यादा, यानी डीप प्लॉट्स और जो अच्छी खासी हाइट के ऊपर लेवल लोकेशन के प्लॉट हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रिसिंक 30 में। प्रिसिंक 30 वंस अगेन मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है, स्पोर्ट्स सिटी से पहले है, डांसिंग फाउंटेन, ग्रैंड मस्जिद और फिर बहरिया गोल्फ सिटी का जो एरिया है वो रास्ते में आता है जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं। और इस एरिया से आपको जो व्यू मिलता है वो मेन जिना एवेन्यू का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में ये जो आपका आईफल टावर बन रहा है इसका भी आपको अच्छा खासा यानी व्यू मिलेगा यहाँ से। तो प्रिसिंक्ट 30 लोकेशन के अतबार से बेहतरीन जगह है, ऑक्यूपाइड है। इसकी ख़ास बात कि इसमें सबसे ज़्यादा पौधे दरख्त बहरिया टाउन ने समझ लेंगे यहाँ पर लगाए हुए हैं, और पौधों की केयर बहरिया टाउन बहुत अच्छे तरीके से करता है। और ये मतलब दिस इज़ वन ऑफ द ग्रीनेस्ट समझ लें, जो हाईली केयर्ड एंड ग्रीनेस्ट एरिया प्रिसिंक्ट इन बहरिया टाउन कराची। प्रिसिंक्ट 30 की बात कर रहा हूँ, इसको याद रखिएगा अपने रिसर्च के अंदर, ज़रूर इसको कंसीडर करें। प्रिसिंक 34 ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ आ रहा है। स्पोर्ट्स सिटी का ये पहला प्रिसिंक्ट है समझ लें। इससे आगे चलेंगे तो इसकी लोकेशन के गिर्दोनवा में एक तरफ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, दूसरी तरफ मेन जिना एवेन्यू और फिर तीसरी तरफ बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के विला जो 350 गज़ के हैं। एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया समझ लें जहाँ पर लोग अच्छी खासी तादाद में रह रहे हैं। फिर शॉपिंग गैलरीज हैं और सामने आईफल टावर, तो ये सारी चीज़ें इसके गिर्दोनवा में। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप लोग हमारी टीम को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाया करें। थैंक यू सो मच।